सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश की स्थिति इस कदर गंभीर हो गई है कि हम विद्यार्थीगण विद्यालय आना चाहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण विद्यालय आने में असमर्थ है, जिसके कारण हमें हिंदी दिवस इस तरह मनाना पड़ रहा है। आप सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मंच पर विराजित परम श्रेष्ठ प्राचार्य महोदय, सभी श्रेष्ठ गुरुजनों और मेरे अभिन्न सहपाठी, सर्वप्रथम मैं तनवीन कौर आविष्कार सिंह आज 14 सितंबर के इस पुनीत हिंदी दिवस के समारोह में आप सबकी गरिमाई उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी भाषा हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी भाषा बोलने में काफ़ी सरल और लचीली भाषा है। हिंदी भाषा बहुत ही पुरानी भाषा है। हिंदी भाषा हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी भाषा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जहाँ हिंदी प्रवासी रहते हैं वहाँ पर भी बोली जाती है, जैसे कि अमेरिका, युगांडा, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और भी ऐसे कई देश हैं जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। तो कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले आप सबके लिए एक शायरी अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारियों की टोली तक। पिता के डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारियों की टोली तक। जिसमें मैंने जो कुछ भी है पाया, हिंदी भाषा ने इन सब में अपना किरदार बखूबी है निभाया। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आंचल श्रावणी और कनक से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आकर प्रार्थना गीत से कार्यक्रम की शुरुआत धनी हमारी साथी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, वैसे इस गीत को सुनकर मुझे एक शायरी याद आती है, गौर फरमाइएगा। जो अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर मन में है कोई बात तो फिर मुस्कुरा दीजिए। आज हमारा है कल हो ना हो, अगर मन में है कोई गीत तो फिर गुनगुना दिया करिए। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कायनात को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि वो हिंदी भाषा से जुड़े कुछ बातें बताएंगे। तो जोरदार तालियों से कायनात का स्वागत कीजिए। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। सुस्वागतम। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, आदरणीय अध्यापक, मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज 14 सितंबर हमारे देश का हिंदी दिवस। हिंदी हमारी मातृभाषा है। आज का दिन हर देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस खास अवसर पर मैं आपसे हिंदी भाषा और हिंदी दिवस पर कुछ बातें करना चाहूँगी, वो आप ध्यान से सुनेंगे, यही विनती और आशा करती हूँ। हिंदी भाषा का अपना महत्व इसमें है अपनत्व। सन 1949 में आज के दिन 14 सितंबर को संविधान सभा ने एकमत से ये निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारत में सन 1953 से हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं।
विश्व में किसी भी देश की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और भारतीयों की पहचान है। हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। हमें हिंदी भाषा पर अभिमान है, हमें हिंदी भाषा पर अभिमान है। वैसे तो आप जानते ही हैं आजकल अंग्रेजी को कितना महत्व है। आज के आधुनिक युग में जुड़ने के लिए यकीनन अंग्रेजी सीखना भी जरूरी है, लेकिन हमें हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। अपने सभी भाषाओं में अपनी राष्ट्रभाषा को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना चाहिए। हम सभी को हिंदी भाषा के प्रति अभिमान होना चाहिए। आखिर में कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगी। सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है, सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। आप सबको एक बार हिंदी दिवस की फिर से खूब खूब शुभकामनाएं। मेरी वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की तमाम कोशिशें करता है और इसलिए वह विविध प्रकार की नीतियाँ, संसाधनों और ऐसे कई अन्य घटकों का उपयोग करता है। हर कोई चाहता है कि उसे सदा ही विजय और कीर्ति प्राप्त हो, जिस कारणवश जब पराजय का सामना हो तब हृदय निराशा से भर जाता है, विवेक खो जाता है और व्यक्ति यह मान लेता है कि बस अब सब समाप्त हो गया। क्या यह मानसिकता उचित है? नहीं, क्योंकि अक्सर हम यह वास्तविकता भूल जाते हैं कि जय और पराजय हमेशा के लिए शाश्वत नहीं, अर्थात कभी जय तो कभी पराजय। जिस तरह सूर्योदय होता है वैसे ही सूर्य का अस्त होना भी निश्चित है। हमारे संसार में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। अर्थात जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि का विचार न करते हुए केवल अपना लक्ष्य अपने उद्देश्य पर केंद्रित करता है, तब वह सारे नकारात्मक व सकारात्मक विचारों से लुप्त हो जाता है तथा कार्य मग्न हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण रूप से मग्न हो जाए, अपने आप को उस कार्य में समर्पित करे, वह व्यक्ति भला कैसे पराजित हो सकता है? यदि हम एक सत्य अपने हृदय में उतार ले कि ना हम पिछली बातों को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल को देख सकते हैं, क्या हमारा लक्ष्य केवल अपने वर्तमान पर नहीं हो जाएगा? विश्वास यह केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि वह नींव है जिस पर मनुष्य का सारा जीवन टिका हुआ है। लेकिन आजकल या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या तो फिर अंधविश्वास। यह दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि अविश्वास के कारण मन में भय और असुरक्षा जैसे अनेक नकारात्मक भावनाओं की उत्पत्ति होती है, और वही दूसरी ओर अंधविश्वास के कारण आक्रोश की। तो फिर विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा जाननी है तो यह प्रश्न अपने मन से पूछिए। पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए और यह सत्य जान लीजिए कि आप इस संसार में स्वयं के सबसे विश्वासु व्यक्ति हैं। इसी संकल्पना को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण यह कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु
रात्मैव रिपुरात्मना, अर्थात स्वयं का उद्धार करने की क्षमता और स्वयं का पतन करने की क्षमता हर व्यक्ति में मौजूद होती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को स्वयं का उद्धार स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही स्वयं का सबसे विश्वासु सखा भी है और स्वयं का परम शत्रु भी। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को अपना बंधु बना ले, वह व्यक्ति निसंदेह ही प्रगति के पथ पर चलता है, अपितु जो व्यक्ति स्वयं को जानने में असक्षम होता है, वह व्यक्ति नकारात्मक विचारों और भावनाओं का धाम बनकर रह जाता है, अर्थात स्वयं का परम शत्रु। अब निर्णय आपका है, स्वयं से मित्रता कर अपना विकास करे या फिर अपने आपके शत्रु बनकर रह जाए और पतन के अंधेरे में खो जाए। जोरदार तालियां हमारे मित्र के लिए जिन्होंने हमें हिंदी भाषा के बारे में बताया। वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत से कवियों ने हमें दोहे के जरिए जीवन का सत्य बताया है, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास और भी कई कवियों ने हमें दोहे के द्वारा सच बताया है जीवन का। इसी से जुड़े दोहे लिए श्रावणी, आंचल, सुगंधा और कनक आ रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले। जो बड़े इनको लघु कहे, नहीं रहीम घत जाए। जो बड़े इनको लघु कहे, नहीं रहीम घत जाए। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाई रहीमा, कछु दुख मानत नाई। ज्ञानी से कहिए कहा, कहते कबीर न जाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहते कबीर न जाए। अंधे आगे नाचते हैं, कला अकारत जाए कबीर, कला अकारत जाए। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोल। और न कोशी शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। थैंक यू। तालियां हमारे साथी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने हमें इतने सुंदर दोहे सुनाए। दोस्तों कहीं ऑनलाइन के चक्कर में आप ताली बजाना तो नहीं भूल गए? अरे बजाइए बजाइए, सरकार ने इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते दोस्तों, कविता हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे भी ये तो भारत देश है, यहाँ तो बहुत से कवियों ने जन्म लिया है जिन्होंने हमारे सामने प्रेरित करने वाले सुंदर और मातृभूमि से जुड़ी और भी कई प्रकार की कविताओं से हमें हमारे भारत को कविताओं का देश बनाया है। तो हिंदी दिवस हो और कविता ना हो तो ऐसा कैसा चल सकता है। तो हम सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रेरणा एक सुंदर सी कविता लिए आ रही है, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा 12 साइंस सी से इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने कविता की कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी।
सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है, सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है, संस्कृत से संस्कृत हमारी, संस्कृत से संस्कृत हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, हमारी एकता और अखंडता ही, हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है, हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है, हिंदी हमारी जुबान है। अंत में मैं अपने दिल की कुछ बात रख के आप सभी से इजाज़त चाहूँगी, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिससे है मुझे पहचान मिली, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। धन्यवाद। जोरदार तालियां प्रेरणा के लिए जिन्होंने हमें इतनी सुंदर कविता सुनाई। चलिए अब हमें यह तो समझ आ ही गया है कि कविता और कवियों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। भारत देश का बच्चा बच्चा एक से एक कविता बनाने में सक्षम है। दोस्तों, हिंदी भाषा है ही ऐसी जो सबको अपना दीवाना बना देती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा के महत्व के ऊपर हमारे मित्र एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आ गई, भूख लगी है? मौन व्रत है। अच्छा बताओ, आज इम्तिहान के नतीजे आने वाले थे ना? बैग में है। मैथ्स में 45 out of 50, हिंदी में 48। अरे वाह, हमारी दीदी तो काफी होशियार है। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। लेकिन ये खाली क्यों है? इसमें हमें कोई अपने सपनों के बारे में लिखना था, अंग्रेजी में। लेकिन रिद्धि, तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ती हो, लिखा क्यों नहीं? माँ, हमें अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपनों में तो तुम होती हो, बाबा होते हैं, इमली के पेड़ होते हैं, रबड़ी की नदियाँ होती है, फूल के झूले होते हैं, चिनार परिया भी होती है, और कभी कभी नाना और नानी भी होती है। अब तुम ही बताओ, इनमें से भला कौन अंग्रेजी बोलता है? माँ, हम सभी तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं ना, कम से कम अपने सपनों को तो उनकी जुबान में रहने दो। जोरदार तालियां हमारे साथी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना सिखाया। वैसे दोस्तों, इन सब की बात सही ही है, हम हिंदी भाषा को कुछ ज्यादा ही महत्व नहीं देते, परंतु अंग्रेजी भाषा को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि नृत्य को ही देख लेते हैं, आजकल के युवा कंटेम्प्री हिप हॉप ये सब को ज्यादा, ये सब में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु हमारे संस्कृति से जुड़ी नृत्य जैसे कि कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम ये सब में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। तो आज के हिंदी दिवस के विशेष अवसर पर हमारे कुछ मित्र इन्हीं से कुछ जुड़ी नृत्य हमारे सामने पेश करने वाले हैं, तो जोरदार तालियां उन सभी के लिए। देखो देखो तुझे कौन आके
लाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। वर्तमान में अंग्रेजी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे तो आजकल ज़माना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट का है, पर जो मज़ा सुप्रभात और शुभरात्रि में है वह कहीं नहीं है। इसी से जुड़ा एक छोटा सा नाटक लिए हमारे कुछ मित्र आ रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो, भैया देखो, अरे भाभी देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। आदाब सत श्री अकाल, आज हिंदी दिवस के इस अनुपम अवसर पर हम एसएम शेट्टी के विद्यार्थी आपके लिए पेश करते हैं नुक्कड़ नाटक। लेकिन दिखाए किस विषय पर? अरे कहा चाचा, मैं तो कह रहा हूँ स्वच्छता अभियान पे दिखा दो, वर्ल्ड ट्रेंडिंग चल रही है। अरे भैया हिंदी भी तो व्यवहार है, हम उसमें क्यों नहीं बनाते? हमें मालूम था तुम लोग नहीं मानोगे, हम बताते हैं हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और उसे बनाया क्यों बीमार। नाटक का उद्देश्य किसी भाषा वो धर्म जाति समुदाय भावनाओं को अपमान करना नहीं है, यह नाटक केवल संदेश की दृष्टि से रची गई है। धन्यवाद। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे तू को आ, इधर का ही बैठा है,
अरे पापा, तू को आ है, इधर का ही बैठा है। क्यों, क्या हुआ बेटा? बेटा, मैं हिंदी हूँ और यहाँ बैठने में क्या परेशानी है? जो हम पेपर में लिखत है, पढ़त है, वो हिंदी। माफ करे माँ, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए आपको हम पहचान नहीं पाए। हाँ, वही हिंदी। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन तमिल वाले लोगन का जगह यहाँ सिर्फ अंग्रेजी के बैठे देवल जाला, तो के ना बैठे थे। अच्छा बेटा, फिर यह अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा, हॉस्पिटल। इतना मार गूगलवा बता देगा। चलो 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 भैया। नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हें की बोलती? ना ना, हमें हिंदी जानी ना। तबीयत खराब है तुम्हें, उसकी पड़ी है, चलो उधर बैठो। लेकिन ये तो बंगाली बोला तरह, तो के कैसे समझा रहे? हाँ हूँ, और ये है तो मेरी ही संतान, फिर मैं क्यों नहीं समझूंगी। अरे भाई, आ गया तू, अभी तक कहाँ था? अरे भाई, क्या बताऊ, कभी कभी हमका लगा तो वह जिंदगी अच्छा था। खेती करो, खाओ पियो, बेचो, आराम से सो जाओ। कहाँ इस एडवांस वाले जमाना में आ गए। क्यों भाई, क्या हो गया तेरे साथ? भाई क्या बताऊं, कल गए थे इंटरव्यू देने, देहाती बोल के हमको भगा दिया, बोला पहले अंग्रेजी सीख के आओ। हम बोले भैया, ये भाषा में का दिक्कत है? भाई क्या बता, क्या इस देश में किसी आदमी की काबिलियत एक भाषा से की जाती है? मतलब हे माई हे, मुझे अंग्रेजी सिखा देना, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सिखा देना। अगर खाना मांगा होता तो दे भी देती, मगर तूने तो अंग्रेजी मांग ली। अगर अंग्रेजी से खाना या नौकरी मिलने लगता तो आज अमेरिका भगवान होता। बेटा, अगर किसी से कुछ भी मांगना है तो ज्ञान मांगो, शब्द का अर्थ ये गूगल भी बता देगा। क्या बात कर रहे हैं तू, ये खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है। हाँ, क्या हालत हो गई है ये देश की। अगर अंग्रेजी इतनी ही जरूरी होती तो चीन में 70% चीनी बोलते हैं, जापान में 83% जापानीज बोलते हैं, तो ये देश कैसे तरक्की कर ले रही है? बेटा, वो कहते हैं ना, ये हिंदुस्तान है, यहाँ किसी के मरने के बाद ही उसके 13 दिन का श्राद्ध मनाया जाता है। हाँ हाँ ठीक है, चला चला अस्पताल, चला, लेट हो जाएगा। जी माथुर जी, नमस्ते जी। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लिनिक में आ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। शुक्ला जी, अगले मरीज को भेजिए। अरे नमस्ते माँ जी, कहिए क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, बहुत दिन पहले से मुझे रोमन चक्कर आते थे, डरावने सपने बदलाव के, और वो बुरे सपने अब सच भी हो रहे हैं। मुझे शिक्षा के माध्यम से हटाकर आज केवल एक विषय बना दिया गया। तभी से डॉक्टर साहब, क्या बताओ, वोवेल्स की डकार आती है तो कॉन्सोनेंट्स की खांसी, नाउन के उल्टी तो एडजेक्टिव्स का सरदर्द। इतना लगता है कि मानो मुझे तो अंग्रेजी का कैंसर ही हो गया है। जी नहीं, यह इंग्रोनेशिया के लक्षण है, आपके रक्त में अंग्रेजी की मात्रा अधिक हो गई है। उपाय जान लेने से पहले इसका कारण तो जान लो। तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण तुम्हारी ही संतानें हैं, जो संस्कृत भाषा तो बोलती है लेकिन संस्कृति के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ही संतान का जन्म होता है उसे अंग्रेजी की औषधियाँ देना शुरू कर देते हैं, जिस कारणवश आज तुम्हारा मूल्य कम हो गया है, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में आ गया है, तुम्हारी यह दुर्दशा हो गई है। इसका केवल एक ही निवारण है कि जाओ और अपने लोगों को यह समझाओ कि उस देश का कोई अस्तित्व नहीं जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं, कोई संस्कृति नहीं। समझ में आया?
नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। तमाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्पेक्टेड। नमस्कार भाई और बहन एंड रिस्पेक्टेड सिटीजंस ऑफ इंडिया। अगर हम हिंदी को और संस्कृति को भूल जाए तो कैसे चलेगा? हम सर्वाइव कैसे करें? हम पीने के लिए पानी दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी दे देगा, लेकिन अंग्रेजी के लिए हिंदी और संस्कृति नहीं भुला सकता, नहीं भुला सकता। हम जब आउट ऑफ कंट्री जाए तब हम अंग्रेजी पकाएगा, अंग्रेजी खाएगा, लेकिन हिंदी और संस्कृति को संग्रहालय में सजाएगा। सही पकड़े। Talk English, I can talk English. English is the most important language. और ग्लोबल देश के लिए हिंदी। अब हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बनाए तो साउथ के लोग को क्या समझे? उनके लिए भी कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? हम विचार करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरी भी सुन लो। यूं तो इन नेताओं के मेरे ऊपर भाषण तो सुनते ही हो, मगर एक बार मेरी भी सुन लो। मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, तो अपनी ही ना। हाँ मानती हूँ कि कभी कोई गालियों में इस्तेमाल करता है तो कोई तालियों में, कभी इतिहास में लिखती हूँ तो कभी संगीत में बहती हूँ। कोई मुझे सबकी माँ बुलाता है तो वही कोई शर्म का भाव समझता है। अब अगर तुम ही मुझसे रूठ गए तो मैं तो मर ही जाऊंगी। जैसे भाषा की धरोहर मेरी माँ संस्कृत भी आज मर रही है, वो अलग बात है कि आज कई देशों में उसके ऊपर शोध चल रहा है। वो कहते हैं ना, जब तक जिंदा रहा कोई पूछने ना आया, और जब मर गया तो 13 दिन का श्राद्ध मनाया। अब अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो हो तुम सब। इसमें कोई विज्ञान नहीं है, बस इतना ध्यान रहे कि मेरी आखिरी उम्मीद तुम सभी हो। जोरदार ताली हमारे साथी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने हमारे सामने इतना अच्छा नाटक दिखाया। दोस्तों अभी तो ताली बजा लीजिए, प्रोग्राम खत्म होने आ रहा है। दोस्तों वैसे इन सब की बात सही ही है, हम हिंदी भाषा को इतना महत्व नहीं देते लेकिन अंग्रेजी भाषा को देते हैं। तो आज के हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जितना सम्मान अंग्रेजी को देते हैं उतना ही सम्मान हिंदी को भी दें। तो ये भारत देश है, ये हमारी ही संस्कृति है, वैसे भी हिंदुस्तान तो संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। तो आज के शुभ अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। वैसे काफी समय हो गया मैंने कोई शायरी नहीं की, तो हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक शायरी अर्ज किया है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। सिर्फ हमें आज ही नहीं, हमें नित्य दिन हिंदी दिवस मनाना है। तो धन्यवाद आप सभी का।